हेलो पारुल जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ। मैंने इसलिए आपको फोन किया था, ये आपके घर दीपक कल से नहीं आएगा, आपका चौकीदार। कौन बोल रहे हैं? मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ। मैंने उससे कहा है कि मैं मैडम से बात कर लेता हूँ, पारुल मैडम से। अभी तो मैं ऊपर आई और वो मुझे नीचे मिला, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझसे। वो आपसे नहीं बोलेगा ना, थोड़ा सा शर्म में नहीं बोलेगा। ऐसे कैसे आप मुझे फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं वो कल से नहीं आएगा? वो कहीं जा रहा है, तो आप अपना अरेंज कर लो ना। तो वो कौन होते हैं मना करने वाला? वो कुछ नहीं होता, हमारी एजेंसी ने लगाया था ना आपका चौकीदार, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो आपकी एजेंसी ने लगाया है तो फिर उससे जाने से पहले एक गार्ड छोड़ के जाइए यहाँ पर। मैडम ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है। कल क्यों नहीं आए? कल से क्यों नहीं आएगा वो? कल से उसकी मर्जी है ना। उसकी मर्जी कैसे हो सकती है भैया? आपको परेशानी क्यों नहीं है? कल घर में चोरी हो जाए, लूटपाट हो जाए, कुछ भी आ जाए, आप जिम्मेदार होंगे उसके? हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कल कुछ मारपाट कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? सेफ्टी नाम की चीज होती है, इससे तो रखा है हमने गार्ड यहाँ पर। नहीं तो आपको परेशानी हो रही है अगर वो जा रहा है तो? बिल्कुल परेशानी होगी, क्यों नहीं होगी? आपकी नजर में इस चौकीदार की कदर है, ये कह रहे हो आप? आप क्या कह रहे हो भैया, पागल लोग हो क्या? मैं ये कह रहा हूँ इसकी कदर है तो उसकी कदर क्यों नहीं होती आपकी नजर में, जो वहाँ पे खड़ा है चौकीदार? किसकी भैया? ऐसे नहीं समझोगे आप घर को थोड़ा अपना बड़ा करो। पागल हो गए तो पीछे फोन कर रहे हैं क्या? नहीं घर तो बड़ा करो ना, फिर आपके समझ में आएगा। कितना बड़ा, क्या कह रहा है तू? इतना बड़ा करो जितना आपका ये शहर है ना। नहीं आप अपने घर को इतना बड़ा कर लो जितना हमारा ये मुल्क है ना, हिंदुस्तान, हमारी कंट्री, इतना बड़ा कर लो, फिर आपको समझ में आएगा पारुल मैडम के उस घर के बाहर एक चौकीदार खड़ा हुआ है। सुनिए आप, मैं समझाता हूँ आपको। उस चौकीदार को सोल्जर के नाम से जानती हैं आप, आर्मी ऑफिसर के नाम से जानती हैं आप। अब मैं आपको वैसे समझाता हूँ, जब आप अपने आईपैड में कैंडी क्रश खेलती हैं ना और उसमें बबल्स फूटने की आवाज आती है, उस वक्त इनके कानों में डायनामाइट फूटने की आवाज आती है, बॉम्ब्स फूटने की आवाज आती है, उसके बावजूद ये हिफाजत करते हैं आपके घर की। आपको मालूम है आपके बच्चों की हिफाजत करने के लिए, आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने बच्चों से दूर रहते हैं। और सुनिए, जब न्यू ईयर की पार्टी में हम सब मशगूल थे ना, सब बिजी थे, उस वक्त ये पठानकोट में हमारे मुल्क में कोई आंच ना आ जाए उसकी तैयारी कर रहे थे। ये सिर्फ इसीलिए लड़ रहे थे कि आपका आने वाला साल बहुत बेहतर और हिफाजत से गुजरे। और सबसे खूबसूरती की बात, ये जिन घरों की हिफाजत करते हैं ना, इनको मालूम ही नहीं होता उन घरों में किस मजहब का इंसान है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बस इनको ये होता है कि ये मुल्क हमारा घर है और इसकी हिफाजत करनी है। और मैं सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं हर मुल्क के आर्मी ऑफिसर की बात कर रहा हूँ जो अपने मुल्क की हिफाजत करता है, उसको सैल्यूट है यार, वो जान लगा देते हैं अपने मुल्क को संवारने में। हैरत इस बात पे होती है कि जो असली हीरो है ना हमारे, उनकी ना तो कॉलर ट्यून होती है हमारे मोबाइल में, ना ही उनके फोटो का इस्तेमाल हम वॉलपेपर के लिए करते हैं, लेकिन अगर ये हीरो ना हो तो फिर कोई भी हीरो नहीं है। एक गलतफहमी मैं आपकी और दूर कर दूं, हमारे हिंदुस्तान में जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं, जितने फौजी हैं, आपको पता नहीं इस बात का अंदाजा है या नहीं कि अगर वो अपनी जॉब छोड़ के अपने घर वापस आ जाएं तो जितने पैसे उनको मिलते हैं इतने पैसे वो किसी भी काम में कमा सकते हैं। इससे जाहिर हो जाता है कि इनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, इनका मकसद आपकी और मेरी हिफाजत करना है। रही बात इनकी कुर्बानी की, तो इनके परिवार से जाके पूछिए, इनके बच्चे तरस जाते हैं कि पापा कब आएंगे। एक माँ इस बात को तरसती रहती है कि एक साल कब पूरा होगा और कब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, और इस बात की भी उम्मीद नहीं होती कि वापस आएगा या नहीं आएगा। जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जीतती है तो हम पार्टी करते हैं, पटाखे जलाते हैं, जोश में आ जाते हैं, करना चाहिए, लेकिन किसी भी बॉर्डर पे अगर इन लोगों की जीत होती है ना तो हमें पता भी नहीं चलता और हम ध्यान भी नहीं देते। अगर इनकी जीत नहीं हुई ना तो फिर हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा। पठानकोट में जो हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद हुए ना, उनके परिवार से जाके पूछिएगा, वो परेशान तो हैं, वो याद तो करते हैं, लेकिन उनमें जज्बा अब भी ये है कि घर में से किसी ना किसी को हम आर्मी में भेजेंगे ताकि हमारा मुल्क हिफाजत से रहे। आई एम सॉरी, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, आपका बहुत वक्त ले लिया मैंने, लेकिन इस बात को सोचिएगा थोड़ी देर आप कि जो लोग शहीद हुए हैं वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, वो हमारे करीबी भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा थे वो हमारे। आपसे बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे हैरत हुई थी, किसी ने मुझे भेजा था आपका फेसबुक अपडेट जिसमें आपने आर्मी ऑफिसर्स के बारे में कुछ लिखा था, जिसे पढ़ के मुझे हैरत हुई थी और मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एहसास दिलाना चाह रहा था कि यू नो ये बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। थैंक यू सो मच पारुल, थैंक यू सो मच।